नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसका नाम है रियल्टी अनबॉक्सिंग, ऑल अबाउट रियल एस्टेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोदरेज एक काफी पुराना और भरोसेमंद ब्रांड है। गोदरेज कंपनी की शुरुआत हुई थी ईयर 1897 में, और आज गोदरेज अप्लायंसेस, फर्नीचर, रियल एस्टेट एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज में गोदरेज एक काफी कामयाब ब्रांड है। गोदरेज प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट 123 ईयर्स से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, और तब से लेके आज तक इस ब्रांड ने काफी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, वो भी एकदम सच्चाई और ईमानदारी से। गोदरेज प्रॉपर्टीज के कुछ रेसिडेंशियल, कमर्शियल और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं, जो कुल 14 मिलियन स्क्वायर मीटर का डेवलपमेंट है, और ये चल रहे हैं इंडिया के 12 शहरों में। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के लोकेशन की। ये प्रोजेक्ट ओल्ड मुंबई पुणे के शीदन प्लाजा पे स्थित है। ये प्रोजेक्ट पनवेल स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। ये प्रोजेक्ट काफी वेल कनेक्टेड है NH4 और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से, जो कि इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है गोदरेज हाईलैंड्स। गोदरेज सिटी 105 एकड़ में फैला हुआ टाउनशिप प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 3 फेज में डेवलप होगा। इस प्रोजेक्ट के 2 फेजेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिनके नाम है गोदरेज वुड्स और गोदरेज मिडोज। और अब इस टाउनशिप का 3rd फेज है गोदरेज हाईलैंड। गोदरेज हाईलैंड्स 11 एकड़ में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसमें 7 टावर्स होंगे, जिनकी ऊंचाई 36-39 फ्लोर्स की होगी, और इसमें प्रीमियम 1 BHK और 2 PHK फ्लैट्स होंगे। इस प्रोजेक्ट में मल्टी लेवल और स्टिल्ट लेवल पार्किंग की सुविधा होगी। 1 BHK प्रीमियम फ्लैट की कार्पेट एरिया 438 स्क्वायर फीट है, और इसकी कीमत 50-55 लाख के बीच होगी। 2 BHK प्रीमियम फ्लैट की कार्पेट एरिया 658 स्क्वायर फीट है, और इसकी कीमत 80-85 लाख के बीच होगी। 2 BHK लग्जरी फ्लैट की कार्पेट एरिया 732 स्क्वायर फीट है, और इसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास होगी। अगर प्रोजेक्ट एमिनिटीज की बात करें, तो इस प्रोजेक्ट में एमिनिटीज की कोई कमी नहीं है। इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल रियल एस्टेट सेंटर, मेडिकल फार्मेसीज, शॉपिंग प्लाजा, स्कूल, 9-होल गोल्फ कोर्स, सिटी शटल, सेंट्रल पार्क, थीम गार्डन, क्लब हाउसेज, रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरिया जैसी एमिनिटीज हैं। साथ ही में किड्स प्ले एरिया, मल्टीपर्पज कोर्ट्स, बॉक्स क्रिकेट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, अ ग्रैंड 3 लेवल 145 स्क्वायर मीटर मल्टी लेवल क्लब हाउस, हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल विथ पूल साइड डेक, जिमनेजियम जैसे और एमिनिटीज हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको कुछ अट्रैक्टिव पेमेंट स्कीम ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे कि ऑप्शन 1 है मैक्स लोन 90%, ओन कंट्रीब्यूशन इज 10% प्लस स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। सेकेंड ऑप्शन है 20:80 सबवेंशन स्कीम, 20% आपको बुकिंग के समय पे करना होगा प्लस स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, और 80% पोजेशन के समय, विच इंक्लूड्स रेंटल अश्योरेंस एंड गोदरेज इंटीरियर। प्रॉपर्टी की टारगेट पोजेशन डेट है जून 2023 और रेरा पोजेशन डेट है दिसंबर 2024। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट्स के बारे में। पहला प्लस पॉइंट है फ्यूचर अप्रिसिएशन। पनवेल एज अ लोकेशन काफी डिमांड में है, और उसका कारण है पनवेल के आसपास होने वाले डेवलपमेंट्स, जिसमें शामिल है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस प्रोजेक्ट से 15 मिनट की दूरी पे है। आने वाली ट्रांस हार्बर सी लिंक, जो आपको साउथ बॉम्बे सिर्फ 20 मिनट्स में पहुंचा देगी, और अपकमिंग एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर। दूसरा प्लस पॉइंट है गोदरेज एज अ ब्रांड एक 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये ब्रांड दिए हुए टाइम से पहले पोजेशन देने के लिए काफी फेमस है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का एक कॉन भी है, जो आपको जानना जरूरी है। वो ये है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट को रहने के हिसाब से या रेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपको थोड़े समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन के ज्यादा फ्रीक्वेंट और मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। तो यहाँ रहना या अपने फ्लैट की हाई रेंट एक्सपेक्ट करना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। इस प्रोजेक्ट को फिलहाल आप एक सेकेंड होम की तरह देख सकते हैं। अब जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में।
हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आने वाले 8-10 सालों में इस प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी प्रीमियम होने वाली है। इस लोकेशन में 50 लाख का घर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस प्रोजेक्ट के आसपास होने वाले दूसरे कंस्ट्रक्शन से कंपेयर करें तो ये प्रोजेक्ट का ब्रांड, कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी और प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये थी आपके लिए गोदरेज हाईलैंड प्रोजेक्ट की अनबॉक्सिंग। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।